सो गाइस आज हम दो फेवरेट चीजें लॉकडाउन के लिए, एक तो मैगी और अंडे, हम बनाएंगे बड़ा यूनिक स्टाइल का ऑमलेट मैगी वाला। लेकिन ये यूनिक, ये कोई नई रेसिपी नहीं है, ऐसे 2013 में किसी ने पहली बार रैमन बर्गर बनाया था। तो देखते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग डिश बन के आएगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका 1/4 प्याज चाहिए, थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए, बस एक फाड़ी हमें लहसुन चाहिए, और ये भी इतनी सी लेगी। इसको हम पहले चॉप कर लेते हैं सबको। तो ये हमने अपनी सब्जियां चॉप कर ली है, अब करेंगे मैगी को बॉईल। लेकिन इसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, ये मैगी को जितना आपने एज इट इज पैकेट से निकाल के सब बॉईल करना है। तो गाइस पानी की चिंता मत करो, जितना मर्जी लो भी, कुछ हमने सिर्फ मैगी बॉईल करके इसको ड्रेन करना है, इसको ब्रेक नहीं करना। ब्रेक कर लिया तो ये रेसिपी खराब हो जाएगी। हमने अब गैस ऑन कर दी है और इसको हम बॉईल पे लेके आएंगे, जरा सा पकाएंगे इसको। हमने वो नहीं करना, हलवा टाइप नहीं बनाना, थोड़ी सी अंडा को इसको छोड़ेंगे। तो वेट करते हैं, मैगी करेंगे इसी पैन को यूज करके, इसी कढ़ाई को यूज करके हम लोग इसका ऑमलेट ही बनाएंगे। बर्तन कम झूठे करो, बिकॉज खुद ही मानते हैं। तो गाइस हम अपना अभी बैटर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे एग्स। तो बड़ा आसान है, ये चीजें ना सबके पास होती है, अंडे और मैगी दो ही सेवियर आपके क्वारंटीन टाइम के। तो अगली चीज जो हम लेंगे वो लेंगे मैगी मसाला। तो जिसको हमने मैगी के साथ नहीं डालना है, हम डाल रहे हैं मैगी मसाला इधर। और जो मैगी हमने उबाली थी उसको ठंडे पानी में आपने डाल देना है, बिकॉज जब गर्म मैगी इसमें अंडे में डलेगी तो उसको कुकिंग करनी शुरू कर देगी और मैगी भी गलेगी। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा प्याज, थोड़ी मिर्च, थोड़ा लहसुन, थोड़ा धनिया, और इस सबको हम लोग अभी नमक थोड़ा सा और मैं स्पेशली कलर आ जाता अच्छा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ट्राई कर दी, काफी अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर, पिसा हुआ है तब भी चलेगा, ये खत्म हो जाएगा शूट करते करते। इसको फाइनली स्टर कर लेते। अब आता है मेन पार्ट, ये निकालेंगे हम इसमें और डालेंगे इसमें अपनी बॉइल्ड मैगी। आपने क्या करना है, साफ हाथों से, बिकॉज आपने खाना बनाने से पहले हाथ धोए हैं। बस ये देखिए, मेक श्योर के एक एक मैगी के दाने में ये अंडा है। तो गाइज दो तरीके बनाने के, इससे दो ऑमलेट निकलेंगे। हम जरा सा ऑयल ले रहे हैं और छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, छोटी सी, जिससे फ्लेवर और कलर दोनों ही एनहांस हो जाएगा। तो जो लोग वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे कि आई लव माय जेके मिर्च लॉट। इसमें से हम जरा सी देगी मिर्च डालेंगे, बस। अब क्या है, ऑयल में कलर आ जाएगा एक। मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल ऑयल डालेंगे, अब ये जब इसमें डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा कलर आएगा और अलग ही फ्लेवर आएगा। अब आपको दिखाता हूं कि इसको आपने हाथ से पकड़ना है, हाफ क्वांटिटी, ठीक है, हाफ क्वांटिटी पकड़ेगा आप हाथ से। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, हम तो क्वारंटीन टाइम में मस्त रहने के लिए बना रहे हैं। और अब इसको हमने ऐसे लेके इसको डाल देना है, और जो थोड़ा बहुत लिक्विड है ना, थोड़ा सा लिक्विड इसमें डाल देंगे कि नेक्स्ट बैटर और इसमें कुछ ज्यादा फर्क ना रहे। तो सर दो ऑमलेट आपके मस्त से बन जाएगी, हम बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्पी। और आपने इसको ऐसे फ्लैट कर देना, एक बार ये डालोगे ना इसको तो ऐसे करके से इसको जाके चुन। अब हम इसको पलटेंगे, देखो 20 दिन कुकिंग करके मुझे पलटना भी आ गया बिना पैन यूज करे। ये कलर देख रहे हो,
दिस इज जस्ट अमेजिंग। अभी लाइट के नीचे आपको कलर थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको ये कलर होगा तो आप ही बोलोगे वाह क्या कलर है। दो टाइप के आप बना सकते हो, ये है देगी मिर्च का विदाउट देगी मिर्च, तो इसको काट के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो रेसिपी किसी ने बनाई थी वर्ल्ड ओवर, तो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में एक शेफ थे, उन्होंने रैमन बर्गर बनाया था। तो वो क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर ना रैमन को लेके ऐसी ऑमलेट बना लेते हैं और ये बन का काम करता है। तो उसके बीच में ये लोग बीफ चिकन जो भी खाते हैं यूएस में वो डालते हैं, लेकिन हमने उसको ऑमलेट बनाया है। तो सबसे पहले आप काफी लोग कमेंट करेंगे आपने इस चैनल पे वीडियो देखी उस चैनल में देखी, हम सही लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, ये हमारी ऑनेस्टी है। आप भी दीजिए और एंजॉय कीजिए अमेजिंग अमेजिंग मैगी ऑमलेट।